Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. My lecture number is 26 for class 9, जिसमें हम लोग chapter number 3 biodiversity को start करेंगे. अपने previous lecture में मैंने आपको explain किया था about the last topic of the previous chapter, जिसमें हम लोगों ने solving a biological problem के बारे में discuss किया था. उस चैप्टर में हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के किसी भी लाइफ, उनके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के हिसाब से, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप इन सब आंसर्स में, इन सब सॉल्यूशंस में जब पहुँचते हैं, जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक सेट ऑफ जो प्रोटोकॉल्स है या सेट ऑफ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप अपने सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं. वो ऐसे स्टेप्स हैं जो के बायोलॉजिकल मेथड में, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन हर एक स्टेप को सीक्वेंस वाइज फॉलो किया जाए विद प्रूफ, ताकि आपके एंड में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो उसमें आपके पास डाटा के तौर पे प्रूफ होगा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के तौर पे प्रूफ होगा, और आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जो कि आपके डाटा को प्रेजेंट करेगी. उसके बाद हम लोग आज जो है, आज अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं. दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? बायो मतलब के लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है, और डाइवर्सिटी मतलब कि कितने डाइवर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अगर आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में देखते हैं, तो आपको देयर आर अ नंबर ऑफ़ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो आपको अपने इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे. अगर आप वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म की, अगर आप जस्ट प्लांट्स देखते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स दैट कैन बी फाउंड इन द एरियाज़ अराउंड यू. इसी तरह अगर आप एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं आपके इर्द गिर्द, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, चाहे मैमल्स हैं. तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की. तो ये जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर स्टडी करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किस हद तक डाइवर्स हैं. अब यहाँ पे बात हो गई है कि देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स. जैसा कि हम लोगों के पास लिखा हुआ है कि देर आर ऑलमोस्ट 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दैट एग्जिस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और ये जो 10 मिलियन है, ये एक अंदाज़ा है साइंटिस्ट का, क्योंकि अभी तक हर एक ऑर्गेनिज़म अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है. हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स हैव बीन डिस्कवर्ड या दे हैव बीन रिकॉर्डेड. इनकी ऑलमोस्ट 1/3 जो है, दे हैव बीन स्टडीड एंड दे हैव बीन पुट इनटू रिकॉर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट. मे बी देयर आर सम अदर स्पीशीज़ या देयर आर सम अदर काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि स्टडी किए गए थे या जो कि डिस्कवर किए गए थे, बट उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. तो जो इतना साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि 10 मिलियन है, हालांकि उन्होंने अभी इनका 1/3 पोर्शन भी पूरी तरह से स्टडी नहीं किया है और उनको प्रॉपर रिकॉर्ड में नहीं डाला है. तो ये उनका अंदाज़ा किस तरह से है कि साइंटिस्ट जब देखते हैं, बायोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी करते हैं, वो पास्ट को हिस्ट्री में जाकर स्टडी करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की मदद से, और उसके हिसाब से जब वो देखते हैं आज का कंपैरिजन, तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि पिछले वक्तों में कुछ सदियों पहले प्रेजेंट थी और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट हो गई, और आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमें पिछले टाइम के रिकॉर्ड में नहीं मिलती हैं. सिंपल सी एग्जांपल है, अगर हम लोग कहते हैं डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि मेजरली कार्निवोरस थे, ह्यूज इन साइज थे, और वो आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. अब साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को किस तरह से अंदाज़ा है कि ये डायनासोर जो कि आज के दौर में, उनका एक भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाउ डू द साइंटिस्ट नो कि प्रीवियस में, पास्ट टाइम में जो है ये डायनासोर एग्जिस्ट करते थे. तो साइंटिस्ट ने विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इनके बारे में स्टडी किया, डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिली थी डायनासोर्स की, जिसकी मदद से उनके बारे में, उनके जो उस वक्त, जिस वक्त वो एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी, एनवायरमेंटल कंडीशंस किस तरह थी, क्या रीज़न बने कि ये सारे के सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कर गए, उस टाइम में उनकी खुराक क्या थी, किस तरह के पौधे थे, किस तरह के बाकी सारे जानवर थे, ये सारा कुछ डायनासोर्स के बारे में स्टडी करके आपको अंदाज़ा लग सकता है. इसी तरह
बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हैं। हम लोग ये अपने पास्ट में स्टडी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बट टुडे वी कैन नॉट फाइंड देम। कुछ ऐसे भी हैं एक्सटिंक्ट, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम लोग आज एक्सटिंक्ट का नाम दे चुके हैं। एक्सटिंक्ट क्यों? जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके अब एक भी इंडिविजुअल अर्थ की सरफेस पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने जब से रिकॉर्ड रखना शुरू किया था तब से अब तक वो देख रहे हैं कि कुछ स्पीशीज एनिमल्स की अभी भी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। देर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर देयर एक्सटिंक्शन। मे बी देर इज़ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मे बी देर इज़ नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इसी तरह से बहुत सारी जगह हैं। अभी हम लोग अगर बात करते हैं ओशन की, यानी कि सी वाटर की, तो ओशन के अंदर वो कहते हैं कि अभी तक 90% हिस्सा हम लोगों ने अभी तक ओशन का स्टडी नहीं किया। देर मे बी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ओशन, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स जो कि उस ओशन के अंदर प्रेजेंट हैं, जो अभी तक हम लोग स्टडी ही नहीं कर चुके हैं। तो साइंटिस्ट जो है उनका अंदाज़ा ये है कि जब उस ओशन को मज़ीद स्टडी किया जाएगा, ओशन के डिफरेंट पोर्शंस को स्टडी किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इतनी सारी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो जिस मर्जी नेचर के हैं, अगर हम ओवरऑल उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे जो एग्जिस्ट करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, तो बात यहाँ पे एक प्रॉब्लम की ये आ जाती है कि इफ़ देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ विल वी कीप रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ देम, हाउ विल वी प्रॉपरली रिलेट देम, हाउ विल वी प्रॉपरली कैटलॉग देम, हम किस तरह से उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, वो रिकॉर्ड हमें किस तरह से हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो हम लोगों को उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर के हिसाब से आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी रॉ डाटा आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, रैंडमली आप इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करते हैं, अदरवाइज इट विल जस्ट लीड टू मेजर कन्फ्यूजन्स। क्योंकि अगर प्रॉपरली एनिमल्स को क्लासिफाई ना किया गया, प्रॉपरली उनको ग्रुपिंग ना की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन करेंगे। क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जब प्रेजेंट हैं और जब उनके बारे में स्टडी करना है, तो आप हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको प्रॉपरली ग्रुपिंग की जाए, उनको प्रॉपरली ग्रुप में डिवाइड किया जाए, और हर ग्रुप में जो है आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म्स देखने को मिले जिनकी या तो खसूसियात यानी कि करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, या फिर वो एक दूसरे क्लोजली रिलेटेड हैं, कि हम एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके पूरा जो ग्रुप है उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। अब अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जो मोस्ट कॉमन आपको सुनने को मिलते हैं, दोज आर एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रोपोजिशंस दी थी, डिफरेंट प्रपोजल दिए थे कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है जो क्लासिफिकेशन है क्या कि आप ऑर्गेनिज़म्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, किस तरह से क्लासिफाई करेंगे, आप उनको प्रॉपर क्लासेस में, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ताकि वो एक दूसरे से जो रिलेटेड हैं वो उनके बारे में अंडरस्टैंड किया जा सके। ये देखें कि किस तरह से ये ऑर्गेनिज़म्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं और अपने ग्रुप में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के साथ रिलेट करते हैं। तो देर वर डिफरेंट प्रपोजल्स जो कि शुरू से लेकर अब तक, जब से साइंटिस्ट को यह पता चला कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, या उनको पता चला कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो एक ग्रुपिंग उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्वेंस बनाना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लासिफिकेशन वी कैन से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल लीड टू मेजर कन्फ्यूजन। तो इसके बाद से डिफरेंट साइंटिस्ट जो है, दे केम अप विद डिफरेंट प्रपोजल्स कि किस तरह से वो एनिमल्स को डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से जो एक मोस्ट फेमस है और जो अभी तक एक्सेप्टेड है, दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनटू 5 ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, इसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ 5 किंगडम सिस्टम, कि एनिमल्स को मेजरली 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया गया। अब ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड कह लें, या उसमें बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग, सब ग्रुप्स, फिर सब ग्रुप्स इन्वॉल्व है, जैसे किंगडम है, फिर आगे फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ग्रुप है, स्पीशीज़ है, इस तरह से ये डिफरेंट मतलब कि स्टेप वाइज हम लोग क्लासीफाई करते जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को।
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम, तो फाइव किंगडम सिस्टम में फाइव, जैसा कि नेम इसका मेंशन कर रहे, देयर आर फाइव प्रिंसिपल ग्रुप्स। ये फाइव ऐसे प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं कि जिनके अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट किया जाता है। कौन कौन से वो फाइव ग्रुप्स हैं? दोज आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई यानी कि फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये मेजर फाइव ग्रुप्स हैं जिनके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट किया जाता है। ये किस तरह से ग्रुपिंग होगी, क्या इन ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खसूसियात हैं, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में स्टडी करेंगे। बट अभी तक आपके माइंड में ये आना चाहिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइव किंगडम सिस्टम के हिसाब से, इसके तहत जो है इसको बेस बना के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है। अब तक आपने आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि देयर इज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जो भी मर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लें, आप प्लांट्स देख लेते हैं या आप कैट्स देख लें, एक सिंपल से एक एनिमल है जो हाउस होल्ड एनिमल्स होते हैं, जो आपके घरों में इर्द गिर्द पाए जाते हैं, बहुत कॉमन है हमारे कंट्री में, कैट्स हैं। अगर आप कैट्स को देखते हैं तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज इन इन द कैट्स ओनली। कैट्स के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ भी देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ द डाइवर्सिटी। इसी तरह आप जिस मर्जी एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, आप बर्ड्स के बारे में, स्पैरोज़ के बारे में स्टडी करें, आप पैरट्स के बारे में स्टडी करें, ख़ुद वो आ गए इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरट्स हैं कि उनका मतलब कि देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पैरट्स। तो इसी तरह से अगर हम लोग हर एक एनिमल को, हर एक प्लांट को, हर एक बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो हर एक के अंदर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर रोज़ प्लांट है तो रोज़ेस जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। एप्पल ट्री है तो एप्पल्स की इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, इतनी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। इसी तरह से कुछ भी आप वेजिटेबल्स ले लें, प्लांट्स लें, फ्रूट्स ले लें, फ्लावर्स के हिसाब से प्लांट्स को देख लेते हैं, तो इवन आप इंसेक्ट्स को देखें जो बहुत छोटे हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ से ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर मौजूद ऑर्गेनिज्म की, दैट इज़ मोर ऑब्वियस दैन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि यानी कि जितनी ज़्यादा लाइफ एग्जिस्ट करती है उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और इस कदर वो जो है ह्यूज डाइवर्सिटी है, इस कदर वो प्रोमिनेंट डाइवर्सिटी है कि यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी प्रेजेंट ना हो। ऐसा कोई भी बंदा इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि देर इज़ नो डाइवर्सिटी, क्योंकि फीचर्स के हिसाब से, जीन्स के हिसाब से, टाइप्स के हिसाब में हम लोगों को हर जगह पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको पहले ये वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन वर्ड्स के मीनिंग को हम लोग यूज़ करके हम लोग ओवरऑल पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि अर्थ के ऊपर 10 मिलियन काइंड अंदाजन लगाया गया है, देयर मे बी मोर देन दिस, के अर्थ की सरफेस के ऊपर 10 मिलियन काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि तमाम हम लोग ओवरऑल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, फंगस वगैरह हर एक चीज़ को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है। और ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको फाइव किंगडम सिस्टम के तहत पाँच मेजर ग्रुप्स के अंदर हमने इनको डिवाइड किया है। दो प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि ये फाइव मेजर ग्रुप्स जो हैं कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स को आप एक अभी भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है, बट व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट एंड फंजाई, इनके बीच में किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉपर इस चैप्टर को, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या एम्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं क्लासिफिकेशन की, अगर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये तमाम बायोलॉजी के सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, और अदर देन दोज ऑल्सो कि जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट को स्टडी नहीं कर रहे, उनके लिए भी ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। So, see you in my next lecture. Till then, Allah Hafiz.